Hello everyone, I am Prajakta and today we are going to learn about the important question answers of chapter The Clothes We Wear. Aaj hum log chapter The Clothes We Wear ka kuch important question answers ke baare mein janenge. To pehle hum log ka jo pehla question hai, why do people wear different types of clothes? People alag-alag tarah ke kapde kyun pehante hain? To iska answer hum aise denge ki people wear different types of clothes according to the season and the climate of the season they belong to. Iska answer hoga ki people aise apne clothes par depend rehte hain. उनके सीजन के हिसाब से वो डिपेंड रहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ठंड का मौसम रहेगा तो हम लोग विंटर क्लोथ्स पहनेंगे, हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनेंगे, स्वेटर पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, कैप्स पहनेंगे, वुलन कैप्स पहनेंगे, मफलर पहनेंगे, स्कार्फ्स पहनेंगे, तो ये सब हम लोग पहनेंगे. पर अगर समर सीजन होगा कहीं पर तो वो लोग उनके हिसाब से क्लोथ्स पहनेंगे, कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाफ शॉर्ट्स, कॉटन शर्ट्स, ये सब पहनेंगे वो लोग. तो सीजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सीजन डिटरमाइन करता है कि हम लोग क्लोथ्स कैसे पहनेंगे. दूसरा है क्लाइमेट. तो क्लाइमेट ऐसा है कि अगर चारों तरफ हवा चल रही है तो आप ठंड महसूस करेंगे, तो आप फुल सेट पहनेंगे, कुछ पहनेंगे, स्वेटर पहनेंगे. तो ये सब भी डिपेंड करता है बहुत. और अगर क्लाइमेट लू हो रहा है, बहुत हवा बह रही है, गर्म हवा बह रही है, तब आप बहुत गर्म महसूस करेंगे और तब आप कॉटन क्लोथ पहन लेंगे. तो इससे क्लाइमेट भी डिटरमाइन करता है कि हम लोग कैसा क्लोथ पहन रहे हैं. इसके बाद वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू वुमेन वेयर इन इंडिया. वुमेन इंडिया में जो वुमेन रहती हैं वो क्या क्लोथ्स पहनती हैं? तो इसका आंसर होगा, वुमेन इन इंडिया वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन दे लिव इन. वुमेन जो इंडिया में है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनती है उनके रीजन के हिसाब से. जो क्लोथ्स आर साड़ीज, सलवार कमीज. सबसे कॉमन जो ड्रेस है वो साड़ी है वुमेन का. ज़्यादातर जो वुमेन है इंडिया में वो साड़ी ही पहनती है. तो साड़ी सबसे कॉमन ड्रेस है वुमेन का इंडिया में. साड़ी, सलवार कमीज, पाटू, घाघरा चोली, मेखला चादर, घरारा, पट्टू पवाडाई एंड मनी अदर्स. तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये आठ नाम हम लोग लिख सकते हैं. अगर ये आठ नाम हम लोग लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि वुमेन इंडिया में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं. ये कॉमन है और ये बहुत पॉपुलर भी है. तो इसके बाद है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पिधान, इन व्हिच स्टेट इट इज वॉर्न. पिधान क्या चीज़ है, वो कौन से स्टेट में वो वेयर क्या, कौन से स्टेट में वो पहना जाता है. इसका आंसर होगा, लॉन्ग वुलन कुर्ता इज कॉल्ड अ पिधान. पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर इट. एक बहुत ही लॉन्ग वुलन कुर्ता को हम लोग पिधान कहते हैं, वो बहुत ही लॉन्ग है. लॉन्ग वुलन कुर्ता, कुर्ता वर्ड आ रहा है, कुर्ता वर्ड आ रहा है. ये तो क्लियर है कि कुर्ता जितना लॉन्ग है तो वो लॉन्ग वुलन कुर्ता, वो कुर्ता जो है वो वुलन है, इसलिए वो जम्मू एंड कश्मीर में पहना जाता है. क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तो बहुत ठंड है और बर्फ़ पड़ती है, तो वो बहुत ठंड है. तो वहाँ पर जो पीपल है वो एक लॉन्ग वुलन कुर्ता पहनते हैं जिसे हम लोग पिधान कहते हैं. इसके बाद है, व्हाट डू पीपल वेयर ऑन स्पेशल ओकेशन. पीपल स्पेशल ओकेशन, जैसे शादी होता है, अगर किसी का अगर कोई बर्थडे होता है तो वहाँ पर वो क्या पहनते हैं. इसका आंसर होगा, ऑन स्पेशल ओकेशंस सच एज वेडिंग्स एंड फेस्टिवल पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स सच एज
silk sarees, suit with ties, sherwanis and many others. Iska answer hum aise denge ki special clothes jo hai wo jab hum kisi occasion pe jaate hain, kisi special occasion pe jaate hain, wedding, festival, ye sab hum log agar jaate hain to hum log special clothes pehante hain. For example, silk sarees pehen sakte hain hum log, सूट पहन सकते हैं, उसके साथ टाई पहन सकते हैं, हम लोग शेरवानी पहन सकते हैं, ये सब हम लोग, ये सब स्पेशल क्लोथ्स में इंक्लूड है, ये सब हम लोग वहाँ पर पहन सकते हैं. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस. बाय बाय, टाटा.